कि बच्चों वो तो वो एजुकेशन दो, पढ़ाओ बच्चों और अपने ड्राइवर के प्रति जानकारी जरूर दो, ताकि बच्चे कहते हैं जिहड़ी यंग जनरेशन होया करती है ना, यूथ हुंदा है, यूथ विच्चों ही लीडर पैदा हुंदे है, यूथ विच्चों ही वो क्रांतिकारी योधे पैदा हुंदे है जिहड़े मिशन की गल, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के मिशन की गल, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के मिशन की गल की है, इसे तरह मिशन नौजवान सभा पिंड घूमन जिसे तक कोई आवाज आती है, लख लख बधाई के नाल मैडम प्रेम लता जी, प्रेम लता जी
इतिहास की अमर कहानी चढ़ती कला है बख्शी जिसने कौम निमाणी सिंधु घाटी विरसा बड़ा महान बुजुर्गों का भुल कित ना जाइए जी एहसान बुजुर्गों का सो गलबात करन लई पिंड घूमना की जिहड़ी श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर नाल मौजूद ने गलबात करांगे कि जिहड़ा अज इह समागम हो रहा है उसनू लैके ते हुण तक जो भी श्री गुरु रविदास महाराज जी के 644वें आगमन पुरब नू लैके इन्हां वल्लों तैयारियां कीतियां गईयां सी जां फिर जिहड़ियां प्रभात फेरियां सजाईयां गईयां सी सो भाजी पहला तां अज दे दिन दी तुहानू बहुत बहुत वधाई होवे तुहानू काशी डी साहब मुबारक जी रविदास महाराज के प्रोग्राम से भाई जिस तरह लगातार आप देखिया कि श्री गुरु रविदास महाराज जी के 644वें आगमन पुरब की तैयारियां चल रही थी संगत वालों क्योंकि 27 फरवरी जो है लंघ भी चुका पर फिर भी हले भी लगातार जोड़े चल रहे हैं समागम थोड़े अज पिंड घूमना विखे समागम किया जा रहा है थोड़ी जी संगत को जानकारी दिओ कि किमें रहा क्योंकि प्रभात फेरियां भी सजाई गई संगत का किमें सहयोग रहा थोड़े जी साढ़े पिंड बहुत नौजवान समा साथ दिता पांच प्रभात फेरियां सी सवेरे शाम निकल दया बहुत बहुत सहयोग दिता घूमना पिंड के नौजवान सभा सारे तहदार घूमना निवासी तहदार सरकार करते हैं एनआरआई वीरां दा किन्ना क सहयोग मिलिया बहुत बहुत बड़ा सहयोग एनआरआई वीरां सहायता चलिया नौजवान सभा घूमना की एनआरआई वीरां ते नाथ चली नौजवानों की कहना चाहोगे क्योंकि नौजवान अपने देश की एक कह सकते कि रीढ़ की हड्डी होंगी है तो नाल ही अपने समाज में बहुत लोड़ है कि नौजवान अपने सूझवान होने अपने हकों तो जाणू हो साढ़े पिंड की नौजवान सभा भीम राव उम्मीदवार के कहने चलती है बहुत बहुत चलती रहेगी तो लोड़ भी है कि
साडे जिहड़े रैवर होए ने उहनां दे मार्गदर्शन उत्ते चलण दी। सो साडे नाल बलवीर सिंह बैंस हुण ने जो कि एक एन आर आई ने वी ते नाल ही उहनां वल्लों इत्थे कई समाज सेवी इह भलाई दे काम कीते जांदे हन ते नाल ही एक श्री गुरु रविदास महाराज जी दे नां ते एक क्लब बनाई हुई है ते उहदे वल्लों टूर्नामेंट बहुत ही जिहड़ा वड्डे पद्धर ते करवाया जांदा है। बलवीर जी पहलां तां अज्ज दा जिहड़ा तुहानूं बहुत मुबारकां। मेरे वल्लों पहलां तां समूह जगत नूं श्री गुरु रविदास जी महाराज के 644वें गुरपुरब दियां लख लख मुबारकां। इस साल मैं बहुत हैप्पी फील किया क्योंकि साढ़े पिंड की जो नौजवान सभा हैगी 40-50 के करीब मुंडिया ने जो ये प्रोग्राम लिखा तो मैं इन्हें धन्यवादी हाँ। इन्होंने बहुत वधिया आर्टिस्ट सदे थे तो इस साल मैं इन्ना हैप्पी हाँ भी इदा का कभी प्रोग्राम देखा नहीं कभी भी। तुम गल की नौजवान नहीं नौजवान आप कह सकते कि इदा के उपराले करने चाहिए ता जो अपना जो समाज आ वो जो सा रैबर के जिड़े एक जो सानू मार्गदर्शक दे के गए सके जे मार्ग उत्ते चलन की प्रेरणा दे के गए से वो साडा नौजवानों का कह सकते सब तो बड़ा हाथ हों भी अपने समाज में तरक्की दे सकीए। तो इदा के समागम देखते हैं अपने रैबर लैके किए जाते तो माण हों अपने नौजवानों के। मेरे को कुछ हफ्ता के पहला जो पिंड के नौजवान मुंडे आए 40-50 के करीब मैं उन्होंने यही रिक्वेस्ट की थी कि तुम जुनाइट हो के जड़िया अपने महल या पिंड कोई भी गलत काम हो रहा उन्होंने डको तो आपसी प्यार से सत्कार रवो। इन्होंने मैं पहला रिक्वेस्ट की मुंडे बहुत सियाने इस साल मैं बहुत हैप्पी हाँ जो भी मैं हुक्म करोगे मोल साल जिदा भी कहोगे मैं ना हाँ जिदा कहोगे उदा मैं करूँगा रहने। जिस तरह तुम एक एन आर आई हो हमेशा ही वक्त वक्त पिंड एन आर आई का बहुत योगदान होंगे पिंड के डिवेलपमेंट में चाहे जा इधर जो समागम होंगे वो की कहना चाहोगे अपने साथियों जो विदेशों में जाके अपने समाज में जो उठ के जाके बसे उन्होंने की कहोगे कि अपनी जी कौम आना की करना चाहिए उन्होंने। देखो सब तो पहला मैं मुंडे ने क्वेश्चन किया जो एन आर आई बंदा आता उन्होंने मिलो बुलाओ। बहुत वधिया गल की क्योंकि एक गल कहने में मैंने भी कोई हर्ज नहीं होना कि जेडे एन आर आई है कितने ना कितने वह धुरा आ साडे पिंडां दा बहुत ज़्यादा जो डिवेलपमेंट हुई है जां होर जिहड़ी रूपरेखा बदली है पिंडां दी बहुत वड्डा हथ सरकारां नालों भी ज़्यादा कह सकते कि एन आर आई वीरां दा आ। सो जिहड़े इदां दे समागम हुंदे उहनां विच भी एन आर आई वीर वध तों वध जिहड़ा हिस्सा पाउंदे आ ते अग्गे ते पहुंचदे ते धन्नवाद भी करदे आ तुहाडा जिहड़े क्योंकि इस धरती तों जाके हले आपां इह कह सकदे जिहड़े इत्थे दे लोक आ उह कितने ना कितने अपनी जिहड़ी सभ्यत नूं भुलदे जा रहे आ पर जिहड़े एन आर आई वीर आ उह हले तक भी उस मिट्टी नाल जुड़े होए आ ते मिट्टी दा प्यार सब तों ज़्यादा जे कह सकदे महसूस करदे आ। धन्नवाद कांछी टीवी नाल गल करदे आ। मेरा धन्नवाद जी कांछी टीवी धन्नवाद जिन्होंने मैं इंट्रोड्यूस किया धन्नवाद जी। साडे नाल हुण कह सकते कि कबड्डी जगत की एक बुलंद आवाज बलजिंदर घुमनूनी ने घूमन साहब अज थोड़े पिंड आए हैं तुम भी कांछी टीवी काफ़ी सेवा दे चुके हो किमें लगता है क्योंकि अब नौजवानों वालों उपराला किया गया जिस तरह बलवीर उन्हें दसिया कि नौजवानों वालों पिंड की संगत वालों उपराला किया गया किमें महसूस कर रहे हो। सब तो पहला तो साहिब इकबाल साहब श्री गुरु रविदास महाराज जी के आगमन पुरब दारिया संगतों को बहुत बहुत बधाई बहुत वधिया अपने रहबरों याद करना चाहिए और एक रहना चाहिए। मैं सारे नगर निवासियों का विशेष तौर पर धन्यवाद करदा कंछी टीवी की पूरी टीम का जेडे एक नमाणे जाए पिंड दे विच एडा वड्डा माण सतगुरां दे जरिए तुसीं आए हो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद है। और सारी टीम के जरिए कंछी टीम के टीवी के जरिए मैं तमाम लुकाई नूं साहिबा दे प्रकाश दिहाड़े दीआं बहुत बहुत वधाईआं दे। नौजवानों की अपील करनी चाहोगे जिहड़े नौजवान सियाने उन्होंने आप पता है कि साडा चंगा की है साडा माड़ा की है एक पासे गुड़ है एक पासे जहर है जहर का भी पता की कम करती है गुड़ का भी पता की कम करती है ये तो साडी सोच चाहिए कि असी किस चीज़ में इस्तेमाल करना। सो कांछड़ी बिना गलबात करनी धन्यवाद थैंक यू बहुत मेहरबानी। सो साडे नाल पिंड दे साबका सरपंच ने सरपंच साहब लगातार आप देखते हैं कि पंचायत आदियाँ जिस तरह तुम सबका सरपंच रह चुके हो तुम भी अपने समय पिंड की काफ़ी डिवेलपमेंट की होगी तो हूँ जिस तरह नौजवानों वालों उपराला किया गया एक वधिया समागम करवाया जा रहा है वधिया सिंगर आए हैं जो श्री गुरु रविदास महाराज जी डॉक्टर बी आर अंबेदकर साहब साडे होर जिहड़े रहवर आ उहनां दे जिहड़े पूर्ण आ उन्हों संगत अगे रख रहे हैं जो सा नौजवान पीढ़ी है उन्होंने तो जाणू हो सके अपने हकों तो भी जाणू हो सके किमें लेंदे हो जो उपराला किया गया पिंड वालों। सब तो पहले तो मैं सतगुरु श्री रविदास महाराज जी के पवित्र दिहाड़े दी अपने दोस्तों मित्र सज्जनों बुजुर्गों बाहर बैठे वीरां भैणां बहुत बहुत लख लख मुबारकबाद दिंदा हाँ अज्ज दे पवित्र दिहाड़े ते। बाकी मैं नौजवानों अपील करदा हाँ कि अपने बच्चों एजुकेशन देन एजुकेशन अपने रहबरां बारे जिन्नी भी हैगी अपनी बैकग्राउंड हैगी साडी उन्हां नूं उत्थों जाणू करवाउण असीं तां ही अगे वध सकदे हाँ। फिर मैं नौजवानों अपील करदा कि इदां दे जिहड़े उपराले सानूं हमेशा करने चाहिए आ साडे रहबरां नूं साडे गुरुआं नूं उन्हां नूं याद रखना चाहिए हमेशा। सो यह तुम बहुत वधिया गल की क्योंकि असं भी कांछी टीवी के माध्यम राही इस समूह संगत को अपील करते हैं कि साढ़े जिहड़े रहबर वह भी सानू यही कह के गए थे कि पढ़ना जिहड़ा
जिहड़ी पढ़ाई है विद्या है वह बहुत जरूरी है क्योंकि जेकर असीं विद्या प्राप्त करांगे तां असीं अपने हक्कां तों जाणू हो सकांगे क्योंकि हाले भी साडे समाज दी त्रासदी कह सकदे आ कि हाले साडा जिहड़ा समाज है वह पूरी तरह अवेयर नहीं हो चुका होया ते ना ही जिहड़े अपने हक्कां तों जाणू आ। सो सरपंच साहब कंचड़ी विना गल्लबात करन लई बहुत धन्नवाद। बहुत बहुत धन्नवाद। थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्नवाद। धन्नवाद जी। ज़्यादा लंबी गल नहीं मैं करनी क्योंकि गीत ज़्यादा लंबिया गल् हो जाए फिर चंगा नहीं लगता। ये भारत देश हमारा क्यों कहा रत्तू साहब ने, क्योंकि इतों के मूल निवासी लोग हाँ। असं मूल जोड़ा मूल होता है वह असी हाँ, असी लोग हाँ। ये जड़े उपर बैठे ब्राह्मण लोग ये बाहरों आर्यन लोग है, ये बाहरों आए हैं। बाहरों आके जिदा आप इतों इंडिया में जाके कैनेडा आए थे, अमेरिका में जाके कह रहे थे कि सानू उत्थे खतरा है, सानू इंडिया में खतरा है, असं मर सकते हैं, सानू मार सकता है कोई, तो वह सानू सिटीजन कर देंगे उत्थे। ऐसे तरीके से उन्होंने आके इतने शरण मंगी, साढ़े राजे होंगे सी, असी राजे दी औलादा आए सी, पर लेकिन असी मंगदे इन्हां कोलों आ, राजे दी औलादा होके साडे कोल जमीना नहीं है, साडे कोल घर नहीं है अपने। और उस वक्त जो ये आर्यन लोग बाहरों आए, इन्होंने आके शरण मंगी, साडे राजे बड़े भोले भाले से, उन्होंने शरण देती। और वो लोगों ने बड़ा तरीके दे नाल, मतलब बड़े तरीके दे नाल अपनी लेडीज को पेश किया राजे दे अगे, और उन्होंने फिर इस तरीके का जाल पाया कि मतलब साडा जिहड़ा ये राज भाग जिहड़ा वो राजे को खो लिया गया। और फिर राज इन्होंने 5000 साल हो गए, ये इन्ने शातिर दिमाग लोग आ कि ये इन्हों का राज चलिया आ रहा, 5000 साल तो इन्हों का राज चलिया आ रहा। और उस वक्त 5000 साल पहला साडा राज सी, उस वक्त भारत देश इन्ना खुशहाल देश सी कि हर तरफ खुशियां खुशियां होंगे सी, लोग आपस में मिल के बैठते सी, प्यार करते सी एक दूजे नूं, और बहुत ही प्यार की भावना रखते सी एक दूजे के प्रति। पर लेकिन इन्होंने बाहरों आ रहे लोगों ने आके नफरत फैला दी। ¡Gracias!
ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗਾਇਕਾ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਹੁਣੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਘੁੰਮਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 644ਵੇਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆ ਸੋ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਕੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀ ਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗਾਇਕਾ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਛ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀ ਹੀਰਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ SK ਬੈਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ